हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑक्स यूट्यूब चैनल ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द ब्रेन एंड इट्स फंक्शन सो ये हमारा पार्ट थ्री वीडियो लेक्चर है स्पेशली ऑन नर्वस सिस्टम एंड आज डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर और हमें पता है जैसे कि जो सी एन एस का जो क्लासिफिकेशन है कि जो नर्वस सिस्टम का जो हमने डिटेल क्लासिफिकेशन देखा था उसमें एक है सी एन एस और सेकंड है पी एन एस कि एक बनता है नर्वस सिस्टम का पार्ट एक सी एन एस एंड सेकंड पी एन एस तो सी एन एस के दो मेन कंपोनेंट है एक है ब्रेन वन इज द ब्रेन एंड सेकेंड इज द स्पाइनल कॉड तो आज का हमारा पार्ट थ्री लेक्चर है स्पेशली ऑन ब्रेन के ब्रेन के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन दिस लेक्चर की जो अभी टाइटल स्लाइड है हमारी ये इसके अंदर आप देख सकते हैं कि दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ ए ब्रेन दिस वन इज ए रियल ब्रेन कि जो हमारी क्रेनियल uh, कैविटी के अंदर स्कल के अंदर प्रॉपरली प्रोटेक्ट हुआ ऑर्गन है कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी नर्वस सिस्टम रिलेटेड एंड आल्सो ऑफ आवर बॉडी तो ब्रेन का जो इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी के अंदर उसके जो अलग अलग फंक्शन है प्लस उसके जितने भी अलग अलग पार्ट्स है सभी पार्ट को पर्टिकुलरली एक फंक्शन है एक से ज़्यादा फंक्शन है कुछ पार्ट के दो सभी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे नीचे से शुरुआत करें तो ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ यहाँ पे नीचे से आ, स्टार्ट हो रहा है कि यहाँ से नीचे स्पाइनल कॉर्ड है अब स्पाइनल कॉर्ड का जो पूरा एरिया यहाँ पे आ रहा है और वो कहा जाता है ब्रेन स्टेम तो ब्रेन स्टेम के अंदर तीन पार्ट होते हैं एक तो मिड ब्रेन होता है पॉन्स एंड फिर मेडुला और ये जो है वो एक कनेक्शन बनता है बिटवीन द ब्रेन्स अदर पार्ट एंड विद द स्पाइनल कॉर्ड के स्पाइनल कॉर्ड और ये ब्रेन्स के अधर पार्ट से के से जैसे कि ये साइड के हाइपोथैलेमस है कॉर्पस कैलोसम है फॉर्निक्स है थैलेमस है सिंगुलेट गायरस है पीनियल ग्लैंड है तो ये सभी ग्लैंड्स या फिर ये सभी पार्ट्स है कि ये वाले ऊपर के पार्ट हम देखते हैं दिस वन तो उसको ये जो ब्रेन स्टेम का जो पोर्शन है ये वाला ब्रेन स्टेम का पोर्शन वो स्पाइनल कॉर्ड से उसको अटैच करवाता है फिर ये साइड है सेरेबलम इन्फीरियर कॉलिकल्स एंड सुपीरियर कॉलिकल्स प्लस यहाँ पे पिक्चुटरी ग्लैंड प्रेजेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस वन तो ये सभी का बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी के अंदर और जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक मेन पार्ट है तो उसी के बारे में हम अब डिटेल में जो है वो स्टडी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एन वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स फार्मारॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन अब अवेलेबल है सो लर्न ऑनलाइन विथ अवर वेरियस ऑनलाइन कोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन मोबाइल ऐप लाइक टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मटेरियल ऑफ पी डी एफ एज वेल एज प्रिंटेड मटेरियल सो डाउनलोड दस एंड्रॉड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले एपल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर क्या आप गूगल प्ले स्टोर पर से भी ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो और अगर आप आईफोन यूजर है तो ऐपल ऐप स्टोर पर से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है सो यू विल फाइंड आउट द स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर फॉर जी पैट नाइपर डी आई एन फार्मासिस्ट एग्जाम ऑल्सो द ऑप्शन ऑफ ए पी डी एफ एज वेल एज प्रिंटेड स्टडी मटेरियल ऑन द ऐप सो अभी डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल प्ले एज वेल एज एपल आई फोन ऐप ऑन ऐप स्टोर सो वी आर लर्निंग इन डिटेल अबाउट द नर्वस सिस्टम पार्ट वन एंड टू के अंदर हमने नर्वस सिस्टम का बेसिक जाना था फिर नर्वस सिस्टम का डिटेल क्लासिफिकेशन देखा कि जो नर्वस सिस्टम जो है हमारी वो कॉम्प्लेक्स कलेक्शन है स्पेशलाइज सेल की जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन एंड ट्रांसमिट द सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट पार्टस ऑफ द बॉडी की जो दो पार्ट बनते ब्रेन तो का पोर्सन की जो सी है और स्पाइनल कॉर्ड वो भी सी एन एस है ये जो येलो कलर की हमें यहाँ पे टैग दी हुई है कि येलो टैग वाला जितना भी पोर्सन है वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है एंड उसमें से ये जितनी भी अलग अलग ब्रांचेस निकलती हम देख रहे हैं दिस ऑल आर द ब्रांचेस फ्राम द नर्वस सिस्टम और वी कॉल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम अरे पेरीफेरल नर्व और पेरीफेरल नर्व से जो तैयार हुआ सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो द नर्वस सिस्टम इज़ इन्वॉल्व इन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंट अराउंड अस के हमारे आसपास जो भी अराउंड एनवायरमेंट uh, है उसके रिलेटेड जो हमें सेंसेशन होते हैं एंड फिर वो सेंसेशन के सामने जो भी हम रिस्पॉन्स करते हैं तो वो हो जाते हमारे मोटर रिस्पॉन्स तो नर्वस सिस्टम का ये काम है हमारे बॉडी के अंदर कि अलग अलग एरिया से एनवायरमेंट से जो सेंसेशंस को कलेक्ट करना और उसके रिलेटेड जो रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करना तो रिस्पॉन्स जनरेट करके जो हम सामने उसके रिलेटेड एक्टिविटी दिखाते हैं वो है हमारे ये मोटर रिस्पॉन्स कि जो हमारा बॉडी का कॉन्सियसनेस है वेकफुलनेस है कि जो हम अच्छे से हमारे रूटीन काम करते हैं प्लस हमें सभी तरह के एहसास होते हैं कि गर्मी लग रही है तो गर्मी का एहसास ठंडी है तो ठंडी का एहसास बॉडी के अंदर कुछ पेन है तो पेन का एहसास इमोशंस है हमारे स्पीच बिहेवियर जितने भी हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग बिहेवियर है मोशन है हमारी कॉन्शियसनेस है वो सभी नर्वस सिस्टम के बहुत ही आभारी है तो नर्वस सिस्टम की जो कॉम्प्लेक्स कलेक्शन है नर्व्स का कि पूरे बॉडी के अंदर ये नर्व्स फैली हुई है और उसमें मेन दो की ऑर्गन है हमारे एक तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से बहुत सारी जो नर्व्स है वो निकल के पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तैयार करती है और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तैयार करते हैं मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो ये हमने डिटेल क्लासिफिकेशन देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि नर्वस सिस्टम सबसे पहले दो पार्ट के अंदर क्लासिफाई होती है एक तो सी एन एस एंड पी एन एस सी एन एस के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फिर सी एन एस के अलावा जितना भी बाकी रहता जो भी पोर्सन है कि लिविंग एवरीथिंग एल्स इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कि इतना पोर्सन ही सी एन एस है उसके अलावा जितना भी ये पोर्सन देखे आप ये जितना भी है तो ये पूरा पोर्सन बन जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जिसके अंदर अफेरेंट मोटर मूवमेंट के लिए एंड अफेरेंट सेंसरी आ, मोटर न्यूरॉन कही जाती है इफेरेंट के दो टाइप ए एन एस एंड अं सोमेटिक ए एन एस फर्दर पैरासिफेथेटिक सिंपेथेटिक एंड एंटेरिक के अंदर क्लासीफाई होता है फिर हमने जाना सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर जो हमारा ब्रेन है वो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड है कि ये जो ब्रेन का जो पूरा पोर्सन है वो अच्छे से प्रोटेक्टेड है बाय द स्कल कि जो स्कल है हमारे स्केलेटन सिस्टम के अंदर वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है और वो कौन से कैविटी के अंदर है तो ये है क्रीनियल कैविटी की जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड कंटेंट्स अबाउट द हंड्रेड बिलियनस न्यूरोन कि जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर हंड्रेड बिलियन से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स प्रेजेंट है तो हम जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी सारी न्यूरॉन्स का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उसके अंदर होगा कि जो हमारे ब्रेन के ये पोर्सन के अंदर प्रेजेंट है कि जो अलग अलग पार्ट्स के अंदर बिलियन्स ऑफ न्यूरॉन उसके अंदर प्रेजेंट है और फिर ये नीचे का पोर्सन कि जो हम कहते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड का रीजन नीचे वाला तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे एनक्लोज है तो स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज एंड प्रोटेक्टेड बाय द बॉन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम कि जो हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड है कि जैसे कॉर्ड हम कहते कि कोई केबल तो केबल जैसे ही पूरी एक कॉर्ड है और उसके अंदर भी हंड्रेड मिलियंस न्यूरोन प्रेजेंट है और उसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है वो कही जाती है पेरीफेरल नर्व्स और वो पेरीफेरल नर्व्स कलेक्ट होके बनाती है पूरी एक सिस्टम की जिसको हम कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम तो ये था पिन पॉइंट आपके लिए जरूर से याद रखिए ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का तो अब आज का मेन टॉपिक है हमारा वो है ब्रेन तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर ये वाला जो आप देख सकते हैं दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ ए ब्रेन दिस इज अ रियल पीक के इसके आसपास इसके ये वाला जो आप पोर्सन देख सकते हैं कि ये जो है ये वाला तो यहाँ पे जैसे नॉमन कल्चर किया हुआ है कि ये जा रही है स्पाइनल कॉर्ड तो ये वाला जो पोर्सन बन जाएगा उसका स्पाइनल कॉर्ड की ओर जा रहा पोर्शन पोर्सन की जहाँ से स्टार्ट हो रही है स्पाइनल कॉर्ड और वो स्पाइनल कॉर्ड अंदर प्रॉपरली कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ये वाला वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रॉपरली वो कॉर्ड प्रोटेक्ट रहेगी फिर ऊपर की ओर देखें तो ये वाला जो पोर्शन आता है दिस वन तो ये उसके पीछे की ओर होगा हमें ये वाला पोर्शन दिख रहा है सरेबेलम वाला पोर्शन की ये वाला जो पोर्शन जो हम देख रहे हैं वो है सेरे बैलम और सेलेबेरम बैलम के उस साइड जो होगा आ, पीछे के साइड के जो स्पाइनल कॉर्ड का ये जो कॉर्ड जो आगे की ओर जा रही है ये साइड तो वहां पे मिड ब्रेन हमें मिलेगा पॉन्स एंड मेडुला की जो तैयार करते हैं ब्रेन स्टेम की जैसे भी जैसे कोई प्लांट है तो ये जो समझो कि ये प्लांट है पूरा तो उसका ये एक स्टेम होता है और स्टेम नीचे ये जमीन है तो नीचे उसके होते हैं रूट तो स्पाइनल कॉर्ड है समझ लो कि एक रूट का काम करती है कि जो नीचे की ओर जा रही है और ये वाला जो पोर्सन है वो ब्रेन है ये नीचे रूट की बजाय हम लिखते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड नीचे की ओर जा रही है कि एक मेन रूट तो होता ही है और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है कि जो पी एन एस बनाती है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड तो ये जो स्टेम होता है कि जैसे किसी प्लांट के अंदर बीच में स्टेम होता है वैसे ही जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक पूरा स्टेम है जिसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम और फिर ये है मेन ब्रेन का पोर्सन की जो क्रेनियल कैविटी के अंदर हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और उसका जो प्रोटेक्शन करने के लिए हमें दिया है स्कॉल की जो एक नेचुरल हेलमेट का हमारे लिए काम करती है और वो ब्रेन जैसे जो नाजुक एकदम डेलिकेट ऑर्गन कह सकते हैं कि इट इज वन ऑफ द डेलिकेट ऑर्गन एंड उसके पास प्रेजेंट है हंड्रेड बिलियंस जितनी न्यूरॉन इसीलिए देखो कि जब ब्रेन इंजरी होती है तो बहुत सारे न्यूरॉन डैमेज होती है और जब ब्रेन की ये न्यूरॉन्स डैमेज होती है तो बहुत सारे जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वो भी इनएक्टिव हो जाते हैं और वो क्यों होते हैं वो हम आगे जानेंगे डिटेल में बिकॉज सभी पार्ट के अपने कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है और वो फंक्शन समझो कि बंद हो जाते हैं कि समझो कि आपका ब्रेन स्टेम डैमेज होता है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं थैलेमस डैमेज होता है या फिर थैमिलेमस के आसपास की न्यूरॉन्स डैमेज होती है तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं सभी को हम जानेंगे लेक्चर के अंदर तो अभी आप अपना ये बेसिक जान रही है ये वाला पोर्सन आप सैरेबलम देख सकते हैं ये स्टेम्स उसके पीछे है ये ब्रेन स्टेम का पोर्सन फिर ये ऊपर से है हम देख रहे हैं तो ये वाला जो पोर्सन है कि समझे कि आगे की ओर ये वाला जा रहा है तो ये ये वाला जो पोर्शन पूरा है ग्रीन क, आ, ब्लू कलर का तो ये वाला इतना जो पोर्शन है वो बनेगा फिर ये जो सेंटर में जो ये पोर्शन आएगा वो ये रहेगा और फिर बाकी का जो उसका समझो कि हम ट्रांस सेक्शन लेंगे कि यही जो ब्रेन है उसका हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं कि जिसको हम कहते हैं टीएस तो हमें इस तरह के अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलेंगे तो आगे जानते हैं लेक्चर के अंदर अब डिटेल में कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो ब्रेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन प्ले ए सेंट्रल रोल इन द कंट्रोल ऑफ मोस्ट बॉडीली फंक्शनिंग इंक्लूड्स ब्रेन के मेन बेसिक फंक्शन क्या है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अवेयरनेस एंड मूवमेंट कि जो हम मूवमेंट करते हैं अवेयरनेस है हमारे अंदर वो ब्रेन के लिए ब्रेन के कारण ही है तो इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ अवर ब्रेन सेकंड इज सेंसेशन एंड थॉट कि जो हम सोचते हैं हमें सेंसेशन हो रहे हैं वो भी है ब्रेन के कारण एंड थर्ड थिंग स्पीच एंड मेमोरी कि जब हमारा ब्रेन काफ़ी शार्प होता है अच्छे से वो वर्क करता है तो हमारी मेमोरी भी अच्छी होती है एज वेल एज वी कैन प्रोड्यूस द प्रॉपर स्पीच तो उसी के लिए अलग अलग जो सेंटर्स होते हैं ब्रेन के अंदर की जो हम ये बाजू के डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि इन दिस डायग्राम कि वहाँ पर अलग अलग लोब होते हैं ब्रेन के अंदर कि जो अलग अलग कलर से दिखा है कि ये येलो कलर वाला जो ये लोब है वो समझो कि टेम्पोरल लोब लिखा है तो टेम्पोरल लोब के पास कौन से फंक्शन है तो मेमोरी के फंक्शन है अंडरस्टैंडिंग के हैं एंड लैंग्वेज रिलेटेड फंक्शन है, है. मतलब कि उसके पास ऐसे न्यूरोस है ये रीजन के अंदर कि वो न्यूरॉन मेमोरी रिलेटेड काम करती है अंडरस्टैंडिंग एंड लैंग्वेज और ऐसे उसके पास सेंटर से उसके पास ऐसे स्टोरेज है कि वो प्रॉपर मेमोरी स्टोर करती है हमारी अंडरस्टैंडिंग Uh, के लिए रिस्पॉन्स जनरेट करती है एंड ऑल्सो अबाउट द लैंग्वेजेस वैसे ही ये पीछे का जो पोर्सन है जिसको हम कहते हैं ओसी लॉब, उसका फंक्शन है विजन रिलेटेड कि से जो ऑप्टिक नर्व निकलती है कि जो टोटल ट्वेल्व क्रेनियल नर्व से उसमें से जो ऑप्टिक नर्व है वो वहां से निकलती है कि जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द विजन कि जिसके कारण हम देख सकते हैं फिर ये वाला जो ग्रीन कलर का जो लोब है वो पेरिएटल लोब है और पेरिएटल लोब का काम है परसेप्शन, मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड अरिथमेटिक एंड स्पेलिंग रिलेटेड फिर ये जो ऑरेंज कलर का जो पोर्शन है वो सेंसरी कॉर्टेक्स है कि जो सेंसेशन के लिए है और उसी के बाजू में है मोटर कॉर्टेक्स की जो हमारे मूवमेंट के लिए काम करता है वैसे ही फिर सबसे आगे का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन की जो है फ्रंटल लोब तो जो फ्रॉन्टल लोब है उसके पास कौन से सेंटर्स से तो उसके पास एग्जीक्यूटिव फंक्शंस लाइक थिंकिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इमोशंस बिहेवियर कंट्रोल एंड पर्सनालिटी तो वैसे मेन सेंटर्स जो है उसके पास प्रेजेंट है तो ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट की जो है ब्रेन तो डिटेल में स्टडी करते हैं ब्रेन के बारे में द ब्रेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी विथ हंड्रेड बिलियन न्यूरोन्स एंड टेन टू फिफ्टी ट्रिलियन न्यूरोग्लियल सेल तो ये जो स्टेटिस्टिक्स है वो आपके लिए मोस्ट आई है फॉर एग्जामिनेशन तो ब्रेन ए फोर मेजर पार्ट्स कि ब्रेन के पास चार मेजर पार्ट्स है फर्स्ट इज ब्रेन स्टेम सेकेंड इज डाई एनसेफेलॉन थर्ड इज सेरेब्रम एंड फोर्थ इज द सेरेबेलम तो ये चार मेन बेसिक पार्ट है ब्रेन के कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रेन स्टेम का पोर्शन है देन सेरेबेलम uh, सेरेब्रम कि ये सैरेबलम आप देख सकते हैं डाइनसेफेलॉन एंड ऑल्सो द सेरेब्रम तो ये उसके मेन चार मेजर पोर्सन है कि जो तैयार करते हैं ब्रेन तो ये जो स्टेटिस्टिक आप फिर से याद रखिए कि लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन जिसके पास हंड्रेड बिलियन से भी ज़्यादा न्यूरॉन है एंड न्यूरोग्लियल सेल कितने हैं उसके पास 10 से लेकर 50 ट्रिलियंस जितने न्यूरोग्लियल सेल के जो हमने पार्ट वन के अंदर देखा था कि जो ग्लियल सेल के जो सपोर्टिव सेल होते हैं न्यूरॉन के साथ कि जो उसको अलग अलग फंक्शन के लिए सपोर्ट करती है तो अब शुरू करते हैं हम ब्रेन को डिटेल में समझना और सबसे पहले है हम सीखेंगे रिगार्डिंग ब्रेन स्टेम सो द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ थ्री रीजन की जो ब्रेन स्टेम है उसके अंदर टोटल तीन मेन रीजन है एक है मेड्यूला कि जिसको फुल फॉर्म उसका है मेड्यूला ऑबलोंगाटा सेकंड इज पॉन्स एंड थर्ड इज द मिड ब्रेन कि जैसे हम ट्रैवल करते हुए समझो कि आते हैं स्पाइनल कॉड से तो ब्रेन के अंदर जब हम एंटर होंगे तो सबसे पहले हम पहुँचेंगे मेड्यूला के पास कि वो है मेडुला ओब्लोंगाटा, फिर मेडुला से आगे जाएंगे तो आएगा पॉन्स का पोर्सन और फिर थोड़ा मैं और अंदर जाता हो तो रहेगा मिड ब्रेन तो फिलहाल ये अभी हम ये तीन पार्ट्स को डिटेल में समझते हैं फिर आगे आगे और डीप में जाएंगे सभी पार्ट्स की ओर, तो शुरू करते हैं सबसे पहले मेडुला ऑबलोंगटा से तो मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा कंटेंट्स ऑल सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन मेडुला ऑब्लॉन्ग गाटा जो है उसके पास सेंसरी न्यूरॉन्स भी है एंड ऑल्सो द मोटर न्यूरॉन्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कि जो असेंडिंग लेयर असेंडिंग सीक्वेंस में भी है एज वेल एज डिसेंडिंग सीक्वेंस में है बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉड कि फिर से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो आपका कि जो सेंसरी न्यूरोन है उसका काम करना है मेन सेंसेस रिलेटेड और मोटर न्यूरॉन जो हम कहीं भी भी वर्ड सुनते हैं तो मोटर मतलब कि ऐसे काम की जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो हमें अलग अलग मोमेंट्स देती है हमारे बॉडी के अंदर तो वो रिलेटेड काम है ये मोटर न्यूरॉन्स का एंड सेंसरी सेंसेशन के रिलेटेड काम करती है तो मेडुला ऑब्लोंग का पोर्शन की जब आप स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं तो इतना ये जो पोर्शन दिखाया है दिस पोर्शन कि जो मैंने स्क्वायर किया है यहीं पे रेड पेन से वो बन जाता है ये मेडुला नीचे है ये स्पाइनल कॉड है तो जब समझो कि स्पाइनल कॉड से हम आ रहे हैं तो सबसे पहले हम जो रीजन के अंदर एंटर होते हैं ब्रेन का तो वो बन जाता है ये मेडुला। तो मेडुला के पास सेंसर एंड मोटर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है एंड कंटेंस कार्डियोवास्कुलर सेंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए पिन पॉइंट कि मेड्यूलाब्लॉन्ग गाटा के पास कौन से सेंटर है तो इट कंटेंट द कार्डियोवास्कुलर सेंटर विच कंट्रोल्स द हार्ट रेट अब कार्डियोवास्कुलर सेंटर है तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है हमारे तो उसका जो काम है कि हार्ट रेट को कंट्रोल करना तो कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स उसके पास प्रेजेंट है तो ये मेड्यूला ग्लान ऑब्लानगाटा क्या करता है हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है कंट्रोल द फोर्स ऑफ बीट कि जो हमारे बीट्स है कि हमारा जो नॉर्मल बीट्स होते हैं कि सेवन टू हार्ट बीट हम कहते हैं कि नॉर्मल किसी हेल्दी पर्सन के 72 जितने हार्ट बीट्स होते हैं पर मिनट तो उसको कंट्रोल करता है फोर्स ऑफ बीट एंड आल्सो द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन बन जाता है ये कि आपकी बॉडी की कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है ये मेडुला घंटा और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट प्राइम इंपोर्टेंट सिस्टम ऑफ अवर बॉडी की जो हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है बीट्स कंट्रोल करता है एंड ऑल्सो द ब्लड वेसल का जो डायमीटर है उसको कंट्रोल करने का काम करता है तो ये है मेड्यूला घंटा कि जब हम सबसे पहले एंटर होते हैं ब्रेन के अंदर तो सबसे पहले ये एरिया आता है मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा तो मेड्यूल गाटा कंटेन्स द मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया ये पॉइंट याद रखो आप इसका जो एरिया है वो कौन सा है मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया कहते हैं कि आप देखो कि ये तो है आपके स्पाइनल कॉर्ड यहां तक तो स्पाइनल कॉर्ड है अब स्पाइनल कॉर्ड का एरिया यहां पे खत्म हुआ और यहां से लेकर यहां तक का ये जो पोर्शन है वो है मेडुला का एरिया तो उसके पास कौन से सेंटर uh, है तो मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया या फिर सेंटर विच एडजस्ट द रिदम ऑफ ब्रीथिंग कि ब्रीथिंग की भी रिदम जो है वो एडजस्ट करता है कंट्रोल द रिफ्लेक्सेस फॉर स्वेलोविंग हम जो स्वेलो करते हैं कोई भी चीज उसके रिलेटेड रिफ्लेक्सेस uh, जो है वो कंट्रोल करता है ऑल्सो द वॉमिटिंग कफिंग एंड स्नीजिंग। बिकॉज वो देखो आप क्या यहां पे ये यह डायग्राम हमने इसलिए लिया कि ये आप देख सकते हैं दिस इज अवर नोज ये हमारा माउथ का पोर्सन तो नोज और ये माउथ आगे जाके जो हमारी ओरल कैविटी तैयार होती है एंड नजल कैविटी। तो ओरल रूट और नजल रूट उसका जो मेन काम है क्या है तो स्वेलोविंग का काम है प्लस जब वॉमिटिंग होती है तो भी ये पोर्सन ही अफेक्ट होता है स्नीजिंग के अंदर नोज एंड नजल कैिटी एंड आल्सो फॉर कॉफिंग तो स्वेलोविंग एंड वॉमिटिंग के लिए हमारी माउथ मतलब कि ओरल कैविटी हम कहें और कफिंग एंड स्नीजिंग के लिए नजल कैविटी तो आप देखिए ये दोनों कैविटीज़ जो है वो ये मेडुला ऑब्लॉन्काटा से नज़दीक में पड़ती हैं तो यहाँ से निकलने वाले जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो ये वाले सिस्टम को कंट्रोल करती है कि जो रिफ्लेक्सेस होते हैं स्वेलोविंग के वॉमिटिंग के कफिंग के स्नीजिंग के वो सभी को कंट्रोलिंग का काम ये करेगा फिर रिसीव द सेंसर इनपुट फ्रॉम और प्रोवाइड द मोटर आउटपुट टू तो क्रेनियल नवस कि वहाँ से जो क्रेनियल नर्व्स नोस मतलब कि नजल कैविटी और ओरल कैविटी अगर जाती है तो वहाँ की सेंसरी एज वेल एज मोटर मोमेंट को प्रॉपरली कंट्रोल काम करे कंट्रोलिंग का काम करेगा ये मेडुला ओब्लोंगटा तो एक हमने जाना कार्डियोवास्कुलर एज वेल well एज जो ओरल कैविटी एंड नजल कैविटी के रिलेटेड स्वेलोविंग वॉमिटिंग कॉफिंग एंड स्नीजिंग के कंट्रोलिंग का काम करता है ये मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा एज वेल एज फॉर द रिदम ऑफ ब्रीथिंग बिकॉज ये नोज़ है नजल जो हम कहते हैं नोज उससे हम ब्रीथिंग करते हैं और ये जो पूरा पोर्सन मेड्यूलाब्लोंगटा के काफ़ी नज़दीक है सेकंड है पॉन्स अब समझे कि आप मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा के एरिया से निकल जाते हैं इतना और आगे पहुंचते हैं तो ये सेकंड रीजन आएगा इतना पोर्शन वो है पॉन्स कि जहां पे मैंने ये प्रॉपर आपको सर्कल करके दिखाया है ये वाला आप देख सकते हैं पॉन्स दिस वन तो ये जो पॉन्स का जो रीजन है कि जो पॉन्स का जो रीजन पड़ता है पूरा तो जिसको हम कहते हैं पॉन्स तो पॉन्स जो है वो ब्रिज है फिर से समझिए दिस इज ए ब्रिज द्रेन विथ अनदर कि ये जो है वो ब्रिज आ जाता है कि मेडुला के बाद ये जो है वो पॉन्स एक टाइप का ब्रिज है कि जैसे भी आप अब ब्रिज ट्रैवल कर रहे हैं स्माइल कॉर्ड से आ रहे हैं सबसे पहले मेडुला मेड्यूलाटा को आपने कवर किया और अब आप एक ब्रिज पर है और वो जो ब्रिज है वो है पॉन्स कि ब्रिज के क्या काम करते हैं कनेक्ट करने का काम करते हैं कि वन रीजन टू अनदर रीजन को कनेक्ट करते हैं ब्रिज वैसे ही जो पॉन्स है वो भी कनेक्ट करता है अलग अलग पार्ट्स के पार्ट्स ऑफ ब्रेन जिसके कारण उसको हम ब्रिज कहते हैं तो वॉलेंटरी मूवमेंट्स आर रिले टू द सेरेबलम कि सेरेबेलम की ओर रिले करता है वॉलेंटरी मूवमेंट एंड कंटेंट द सेंसरी एंड मोटर ट्रैक्ट जिसके पास सेंसरी एज वेल एज मोटर ट्रैक्ट प्रेजेंट है एंड हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द ब्रीथिंग ब्रीथिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है ये हमारा पॉन्स का पोर्सन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिज कि समझो कि ये ब्रिज है कनेक्टर है कि जो कनेक्ट करता है अब समझो कि किसी पर्सन को ये ये वाले पोर्सन में इंजरी होती है ये वाले पोर्सन में किसी भी तरह से इंजरी होती है कि समझो कि किसी पर्सन का ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और ये पोर्सन में हेमरेज हुआ है कि जो हम कहते हैं पॉन्स का पोर्सन तो उसके कारण क्या होगा कि ये वाला जो रीजन है वो कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा तो ये तो पॉन्स है कि जो स्पाइनल कॉर्ड्स और भी रिस्पॉन्सेस भेजेगा प्लस स्पाइनल कॉर्ड में से आने वाले रिस्पॉन्स उसी के थ्रू होकर ब्रेन के अदर पार्ट्स तक पहुँचेंगे अब समझो कि ये ब्रिज ही टूट गया है तो यहाँ से आने वाली इन्फॉर्मेशन ना ही ऊपर जाएगी ना ऊपर से आने वाली इन्फॉर्मेशन नीचे की ओर जाएगी जिसके कारण ब्रेन जो है वो काफ़ी डैमेज होता जाता है कि जैसे कि जब हम स्टेम की बात करते हैं ये पॉन्स भी किसके पोर्सन है ब्रेन स्टेम का तो समझो कि नीचे आ, रूट है ये जमीन नीचे रूट रूट की ये ब्रांचेस ये वाला स्टेम का पोर्शन और ऊपर ये आपका मेन जो भी आपका प्लांट है तो नीचे से जो वाटर आ रहा है न्यूट्रिशंस वो ऊपर की ओर पहुंचता है थ्रू दिस स्टेम अब समझो कि स्टेम का कोई पोर्शन ही ब्रेक हो जाता है तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि नीचे जो रूट है उसका ये ऊपर की ओर कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा जिसके कारण ये पोर्शन को ना ही प्रॉपर कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी ना फिर ये ये एरिया से कोई इन्फॉर्मेशन नीचे की ओर जाएगी तो इसी कंडीशन में धीरे धीरे जो है वो ब्रेन डेड की कंडीशन फॉर्म होती है और आगे जाके पर्सन का ब्रेन कंप्लीटली डेड हो जाता है एंड इट लीड्स टू द डेट ऑफ दैट पर्सन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्सन है पॉन्स ऑफ आवर बॉडी एंड ऑल्सो ऑफ आवर ब्रेन कितना छोटा रीजन है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसीलिए पॉन्स जो है वो कम्प्लीटली प्रॉपर जितना रहेगा तो आपके जो इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन होता है वो प्रॉपरली हो सकेगा विथ स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो अब देखो कि जब पॉन्स डैमेज होता है तो ये ब्रीथिंग को कंट्रोल करती है तो ब्रीथिंग पर जो है वो अफेक्ट पड़ सकता है ड्यू टू द डैमेज ऑफ दिस पॉन्स तो ये भी आपको याद रखना है कि फंक्शन भी याद रखो और समझो कि इंजरी होगी तो पॉन्स के इंजरीज के कारण क्या हो सकता है वो भी हमें प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है आगे सीखते हैं आप वो है मिड ब्रेन तो मिड ब्रेन कनेक्ट्स द पॉन्स टू द डायंसेफेलॉन कि ये वाला हमारा पोर्सन पॉन्स ये मेडुला ऑबलोंग और ये है मिड ब्रेन तो मिड uh, ब्रेन जो है वो कनेक्ट करता है पॉन्स को पॉन्स एंड डायफेलॉन को कनेक्ट करने का जो काम करता है वो है ये मिड ब्रेन

पहुंचेगी कि मैं एरो करके आपको दिखाऊ इस तरह से आगे स्पाइनल कॉर्ड की ये नीचे की और ये जो पूरा मेडुला घाटा के बाद जो चालू होती है वो है स्पाइनल कॉर्ड तो कंटेंस द न्यूरॉन दैट कंट कंटक्ट इम्पल्सिस फ्रॉम द सेरेब्रम सेरेब्रम की ओर से इंपल्सिस आ रही है पास होती है मिड ब्रेन में से पॉन्स मेडुला ऑब्लॉन्ग और फिर स्पाइनल कॉर्ड की ओर पहुंचती है लॉस ऑफ दिस न्यूरॉन इज एसोसिएटेड विथ पार्किस डिसीज अब समझो कि ये न्यूरॉन्स इसके रिलेटेड ये रीजन में पड़ती जितनी भी न्यूरॉन्स डैमेज होती है तो इसके कारण जो पर्सन को जो डिसीज हो सकती है वो है पार्किज डिसीज तो ये है मिड ब्रेन और उसका इंपॉर्टेंस अब जानते हैं ब्रेन स्टेम के कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शन की ब्रेन स्टेम ऑलसो कंटेन एन एरिया कॉल आर ए एस मतलब की रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ब्रेन स्टेप में एक और इंपॉर्टेंट रिजियन है कि जिसको हम आर ए एस कहते हैं ये आप देख सकते हैं आर ए एस यहां पर हैरो करके दिखाया हुआ ये रीजियन काफी अंदर की ओर है बट इंपोर्टेंट है क्यों है वो हम जानते हैं आर एस फुल फॉर्म अच्छे से याद रखिए रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम वेन आर इज स्टिम्युलेटेड द रिजल्ट इज कॉन्सियसनेस ये आर ए एस का जो पोर्सन जब प्रॉपर स्टिम्युलेटेड होगा या फिर एक्टिवेटेड होगा प्रॉपर एक्टिवेटेड होगा तो उस वक्त जो कंडीशन होती है पर्सन की वो कही जाती है कॉन्सियसनेस कि जब यह पोर्शन प्रॉपर एक्टिव होता है हमारे बॉडी के अंदर तो वो कंडीशन कही जाती है कॉन्शियसनेस एंड इट मेंटेन्स द वेकफुलनेस कि हम वेकफुल uh, रहते हैं प्लस कॉन्शियस रहते हैं वो है रिजल्टिंग द स्टिम्यूलेशन और द एक्टिवेशन ऑफ द आर उससे रिवर्स कि जब ये सिस्टम समझे कि इनएक्टिव होती है तो इनएक्टिवेशन ऑफ दिस सिस्टम प्रोड्यूस द स्लीप और और ज्यादा इनएक्टिवेट या फिर डिस्ट्रॉय होती है तो फिर अनकॉन्सियसनेस अन तो ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जानना कि इतना जो छोटा सा पोर्सन भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है कि वेकफुलनेस कॉन्सियसनेस के लिए इम्पोर्टेंट है और उसका इनएक्टिवेशन हो जाना मतलब कि स्लीप और और ज़्यादा डैमेज होना मतलब कि अनकॉन्सियसनेस आर ए एस ऑल्सो अवर मसल टॉन तो अब कुछ इम्पोर्टेंट पिन पॉइंट्स जान लेते हैं ब्रेन स्टेम के बारे में तो इट इज़ कंपोज ऑफ द मिड ब्रेन कि जो ब्रेन का बना हुआ है पॉन्स एंड मेडूला ब्लॉन्गाटा की जो हमने ऑलरेडी जान चुका है ये हम जस्ट पिन पॉइंट की जो आपके लिए एम के लिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं प्रीवियसली जो भी हमने डिस्कस किया वो तो आपके लिए प्राइम इम्पोर्टेंट है बट कुछ और अलग से पिन पॉइंट हम डिस्कस कर रहे लेकिन सेंटर फॉर रेस्पाइरेशन एंड कार्डियो सिस्टम फिर पॉन्स के पास एग्जिट होती है कि एग्जिट पॉइंट फॉर क्रेनियल नर्व्स फाइव सिक्स एंड सेवन तो दिस इज योर पिन पॉइंट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की द एग्जिट पॉइंट फॉर क्रेनियल नर्व फाइव सिक्स एंड सेवन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्सन ऑफ अवर ब्रेन दिट इज ए पॉन्स पॉन्स के पास एग्जिट पॉइंट है क्रेनियल नर्वस नंबर फाइव सिक्स एंड सेवन के टोटल आपकी जानकारी के लिए बता दो तो टोटल ट्वेल्व क्रेनियल नर्व्स होती है उसके ऊपर एक अलग लेक्चर बनेगा हमारा डिटेल में कि काफ़ी बार क्रेनियल नर्व्स और सभी का इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो भी हम जानेंगे उसके बाद जो है मेडुला ऑबलोंगाटा सर्व एज एग्जिट पॉइंट ऑफ क्रेनियल नर्व्स नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व के नौ से लेकर बारह की जो नौ दस ग्यारह बारह ये चार क्रेनियल नर्व्स से उसके एग्जिट पॉइंट है मेड्यूला ऑबलोंगाटा के अंदर की जो हमारे ब्रेन स्टेम के एक पार्ट्स है

याद रखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी ब्रेन स्टेम आपने कंप्लीट कर लिया तो ब्रेन स्टेम के बाद आप ऐसे रीजन के अंदर अब एंटर करेंगे ब्रेन के अंदर कि उसको हम कहते हैं डाय कि जिसको हम क्या कहते हैं डाय एंसेफेलॉन की ये जो ग्रीन कलर से ये जो दिखाया हुआ पोर्शन है ग्रीन कलर पोर्शन वो है ये डाय एनसेफेलॉन कि ये जो ग्रीन कलर पोर्सन है वो है डाय एंसेफेलॉन यहां पे भी आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग उसके व्यूज हैं नीचे से देखेंगे तो आपको ये वाला जो पूरा पोर्सन दिख रहा है उसको हम कहते हैं डाय और साइड में से ट्रांसर सेक्शन के तौर पे देखें तो ये वाला कि जहां पे आप ये पीनियल ग्लैंड भी आप देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड भी आप देख सकते हैं सॉरी नॉट द पीनियल पिच्यूटरी ग्लैंड और मेन जो ग्रीन कलर के ही ऊपर आप टारगेट रखिए तो ये कहा जाता है डायंसेफेलन की जिसके पास प्रेजेंट है थैलेमस हाइपोथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड तो ये तीनों ग्लैंड का इम्पोर्टेंस है स्पेशली हमारे बॉडी के अंदर उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पार्ट फॉर के अंदर की जो है हमारा स्पेशली कि जब आप ब्रेन को ये वाला पोर्सन देखोगे दिस पोर्सन तो वो है डाइनसेफेलोन राइट थैलेमस हाइपोथैलेमस फिर लेफ्ट थैलेमस एंड सेरेबलम की जो हमने देखा थैलेमस हाइपोथैलेमस पीनियल ग्लैंड सेरेबलम का ये पोर्सन है बट डायफेलॉन के अंदर कौन से तीन पार्ट इन्वॉल्व है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है कि फर्स्ट इज थैलेमस सेकेंड इज हाइपोथेलेमस एंड थर्ड इज ग्लैंड सभी को हम डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं अपकमिंग लेक्चर पार्ट फॉर के अंदर टिल देन व्हाट्सएप अस ऑन नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो थ्री सिक्स बी अपडेटेड विथ फॉर्मा नॉलेज सब्सक्राइब द चैनल एम्प्रेस प्रेस द बेल आइकॉन Never miss any video of Pharmarocks. Also use their Pharmarocks Android application on Google Play as well as Apple iPhone App on App Store. For study material, taste series, video lecture, and printed as well as soft copy material.